ब्लॉग। आज का ब्लॉग होता है शाम के दिन की शुरुआत में, क्योंकि अभी भैया घर रहे हैं तो ब्लॉग स्टार्ट हमने कर दिया। तो आज आपको पता है पाकिस्तान का मैच है आज, तो कल किसी और का मैच था, आज पाकिस्तान का मैच है। तो अभी मेरा कज़न और मेरे भाई इधर बैठ कर, हेलो गाइस, तो हम देख रहे हैं अपना मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। बहुत ही ज़्यादा रोमांचिक बना हुआ है, हिंदी में लफ्ज़ बोला जाता है रोमांचिक, वो बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमें मज़ा आ रहा है। एंड पे फंसा हुआ मैच, हमने स्टार्ट मैच देखना तो कब से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन एंड पे आके अब मैच बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत ही कमाल की है, इसलिए पाकिस्तान के बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी अब हमारे बड़े भाई आ चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा भैया, पाकिस्तान जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा? पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ, अभी बैटिंग चल रही है, हम थोड़ा नर्वस हैं क्योंकि चौका केबल है नहीं, हम इसलिए मोबाइल के ऊपर डाटा ऑन करके मैच देख रहे हैं। तो अभी तो गाइस मैच हो रहा है, तो अभी तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने एक चौका डाल दिया, तो पाकिस्तान के झंडे हिल रहे हैं। अभी है पाकिस्तान की बैटिंग क्या, फिर उनकी दूसरी अफगान, अभी पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, वो चेज कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो जारी और सारी है, जिसमें से अब शादाब इतनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि बाबर आजम आउट हो चुके हैं, और उसके अलावा बाबर आजम आउट हो चुके हैं, फ़खर जमान रन आउट हो चुके हैं, और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बैटिंग की है मौके की मुनासबत के लिहाज से। आज पाकिस्तान ने एक और चीज़ ट्राई की है, जिस तरह इंडिया के मैच में उन्होंने नवाज़ को पाकिस्तान जीतेगा आज, तो फिर से पहले मैचों में पाकिस्तान जीतता आया, इस पाकिस्तान में भी पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। कैमरा सेट कर अब मेरी मतलब मेरी बात में ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो पाकिस्तान अगर जीतेगा, अगर आप उधर ब्लॉग देखेंगे पाकिस्तान के, तो उधर से आप हमें उधर से इधर बुल्तान में आएंगे, अगर आप मुझे फिर हाँ आप हमें ट्रेड देंगे आइए ये ना ब्लॉग में नहीं नजर आता क्योंकि अभी बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बन रही है, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बन रही है, ब्लॉग बना रही है भैया। हाँ जी, क्या मैच देख रही है? मैच देख के चौका मारा पाकिस्तान ने, मैंने फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है बना बना बोलती रहे। तो भाई अफगानिस्तान का जो मैच है बहुत ही नाजुक सूरत हाल में पहुंचा है, अभी ताज़ा आसिफ अली की विकेट गिर चुकी है, अब बिल्कुल कोई चांस नहीं है पाकिस्तान मैच जीते, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं नींद करने जा रही थी तो जैसे आवाज आई इतनी शोर की, मैं फटाफट से वही नींद छोड़ी आ चुकी हूँ उधर। अब देखना ऐसा है पाकिस्तान के पीछे ये हालात, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान एक ओवर रह गया और 11 स्कोर रहते हैं, क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा? उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीत जाए। हम सब की जो धड़कने हैं तेज़ होती नज़र आ रही है, धड़कने तो वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है क्योंकि आसिफ अली की विकेट गिर चुकी है, जो पाकिस्तान के मशहूर हिटर माने जाते हैं, और हिट के बाद जब वो आउट होता है उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी इनकी होती है, जाहिर सी बात है जब बंदा आउट हो जाए गुस्सा तो निकालता ही है किसी न किसी चीज़ पर। हमारे जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अरूज पर है। तो गाइस जब ये बैटिंग करेंगे तो जब इनका जज बताएगा कितने स्कोर, मैच आखिरी ओवर में दाखिल है, हम देख रहे हैं मैच। तो गाइस सारे टेंशन में क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा, क्या जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, बिल्कुल मैं बाहर सो रही थी, मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी, नसीम ने छक्का मार दिया, यस नसीम ने छक्का मार दिया,
अब गाइस इस ब्लॉग में वो जान में जान आई हमारी। तो गाइस आप देखते हैं कौन का जीतेगा, आप देख सकते हैं आप खुद ही। तो भाई आपके कैसे लग रहे हैं आपको भैया? आप कुछ बोल नहीं सकते, फुल भूख बेटे। आप अभी पीछे 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 जा, तू वहाँ अभी कट चुकी है नहीं टाइम। बहुत सारी नसीम शाह ने आखिरी पहली बॉल पर छक्का मार चुका है। पांच बहुत ज्यादा नाजुक सोच चौका लेवल छक्का। ये दिन आज हमारे लिए फुल तकड़ा दिन है। कड़ा नसीम शाह ने एंड पे दो बॉलों पे दो छक्के रख दिए। बहुत जबरदस्त मैच हुआ। यस जीत गए हम। हम जीत कर भी अभी दोबारा हाइलाइट्स देख रहे हैं कि देखें किस तरह नसीम शाह ने जो आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगाए हैं। हाय 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 कमाल। तो गाइस नसीम शाह बैट गुड एंड फाइन। आई लव यू नसीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो गाइस जब आप अगले मैच में आएंगे तो नसीम शाह जरूर आएगा। नसीम शाह नहीं नसीम शाह। नसीम शाह जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहबाज शरीफ का डायलॉग बोला इस भाई ने। पाकिस्तान जिंदाबाद।